बच्चों, सो लॉज ऑफ मोशन के कंटिन्यूएशन में कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग बनाते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है इसमें। सी, दिस इज द सेटअप, राइट। इसमें एक मास ए है, दूसरा मास बी, एंड दिस इज कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग एंड पासिंग थ्रू द पुली। सो सपोज दिस पुली इज P1, राइट। दिस इज मासलेस। सो इन सच केसेस ऑल द पुलीज आर मासलेस, राइट, अंटिल इट इज स्पेसिफाइड। दिस ऑल्सो मासलेस, राइट। एंड इन दिस सेटअप मास ऑफ ए इज गिवन 15 kg, मास ऑफ बी इज 10 kg, एंड वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस, एक्सेलरेशन ऑफ दिस, एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो टेंशन सपोज इट टी, सो दिस विल ऑल्सो बी टी इन दिस डायरेक्शन। दिस इज टी, दिस इज टी, दिस इज टी, एंड दिस इज ऑल्सो टी। सो दिस वे टेंशन विल बी एक्टिंग इन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में इस तरह से टेंशन लगेगा, और इसका वेट दैट इज मास दिया है 10 kg, दिस इज 10 kg। इसका मास दिया है 15 kg, 15 g इज एक्टिंग डाउनवर्ड, यहां पर 10 g इज एक्टिंग डाउनवर्ड। अभी इस तरह का सेटअप है, एंड द नॉर्मल रिएक्शन n इज एक्टिंग, एंड इस डायरेक्शन में t है। सपोज इस डायरेक्शन में सपोज t1 ले लेते हैं, दिस इज t1। सो पूरा सेटअप इस तरह से है। हम इसको मान के चलते हैं कि इधर एक्सेलरेशन a है। अब इधर एक्सेलरेशन ये है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, अब ये समझने की जरूरत है। स्ट्रिंग यहां पर फिक्स है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कितना मूव होगा, सपोज हम एज्यूम करते हैं कि भाई ये एक्स मूव किया, मूव करके ये डिस्टेंस एक्स ले लिया, ये डिस्टेंस एक्स ले लिया। अगर ये पुली एक्स मूव करता है तो बी कितना मूव करेगा, ये समझने की जरूरत है। हमने पिछले एग्जाम्पल में भी, जो अगर पिछला वीडियो आप देखोगे, तो सिमिलर एग्जाम्पल हमने वर्टिकल मोशन के लिए लिया था। तो यहां पर अगर ये पुली एक्स मूव करता है, एक्स मूव करता है, तो इस साइड से भी एक्स ढीला हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा, इधर से भी एक्स स्लैक हो जाएगा। तो इसको टाइट करने के लिए ये स्ट्रिंग को कितना नीचे आना पड़ेगा, 2x नीचे आना पड़ेगा। समझ रहे नहीं? अगर इसको x किया तो x और x ही है, इसको 2x नीचे आना पड़ेगा, यहां तक आना पड़ेगा उसको, राइट। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x। मतलब कि अगर x मूव किया तो इसको 2x मूव करना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन अगर a है, राइट, तो इसका एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा। सेम टाइम में डिस्टेंस डबल है, यहाँ एक्स है तो यहाँ 2x है, तो इसका एक्सेलरेशन ए होगा, तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा। ये ध्यान में रखने की जरूरत है, इस कंसेप्ट को समझने की जरूरत है, राइट। अच्छी बात है, तभी एक आइडिया आ गया कि भाई इसका एक्सेलरेशन 2a है तो इसका एक्सेलरेशन ए है। अब ये अपन FBD बना सकते हैं इजिली, FBD ऑफ बी एंड FBD ऑफ ए। अब देखो भाई, इधर भी इट इज मासलेस, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, 2T लग रहा है। इधर बैकवर्ड फोर्स T1 है, सो T1 मस्ट बी इक्वल टू T2। पिछले एग्जाम्पल में भी इस तरह से हमने समझाया था, ठीक है। FBD बनाते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो हम लिखेंगे FBD ऑफ B। पहले इसका FBD बना लेते हैं। इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक्सेलरेशन कैसा है। सो दैट इज बी, इट इज 10 g is acting downward, t is acting upward, acceleration कितना है 2a, right? So net force is acting downward, downward direction I will take positive, therefore हम क्या बोलेंगे, 10 g minus t that is equal to mass of this is 10 kg, mass है, so 10 into हम 2a बोलेंगे, right? Mass into acceleration, Newton's second law, net force creates the acceleration. Therefore, 10 g minus t is equal to 20 a.
दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अभी हम बात करेंगे एफबीडी ऑफ ए की, बात करेंगे एफबीडी ऑफ ए। इस पर फोर्स क्या लग रहा है, टी वन लग रहा है, राइट। सो इस तरह से देखा जाए, सपोज दिस इज ए, दिस इज टी वन इज एक्टिंग, मास इज 15 जी डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन एन। अब देखा जाए इसमें, सो इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में है विद एक्सेलरेशन ए, राइट। इस डायरेक्शन में मोशन नहीं है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी कुछ भी नहीं है। सो इट मींस इन दिस डायरेक्शन इट इज इन इक्विलिब्रियम, इन दिस डायरेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स इज टी वन, सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर टी वन इज इक्वल टू 15 ए। ये हमारा इक्वेशन नंबर टू। इन दिस डायरेक्शन नेट फोर्स इज एक्टिंग, मास इज 15 kg, एक्सेलरेशन इज ए, दैट इज 15 ए। अब टी वन और टी का कोई रिलेशन निकालेंगे। अब देखो टी टू इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, हियर टू टी, टी प्लस टी, टू टी इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड टी वन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुल इज इन दिस डायरेक्शन। सो वी कैन राइट that is it is pulley in this direction, 2t is acting in this direction, t1 is acting, 2t and t1, right, and acceleration is there in this direction, but mass of this is zero, remember this. So we have assumed it is massless, right, therefore 2t minus T1 is equal to 0, therefore T1 is equal to 2T. So I am drawing this again and again for your understanding. Otherwise, here only you can say 2T is equal to T1, simply because it is massless. In massless pulley, whenever this situation comes, this is the pulley, here it is T, here it is T, here it is T1. If it is massless, in either direction it is going, irrespective of that, whether it is going in this direction or in this direction, doesn't matter, acceleration may be anything, then 2t will be equal to t1 with this kind of setup, right, and this is massless. So acceleration either in this direction or in this direction, it doesn't matter because mass is zero, so net force 2t minus t1 or T1 minus T2, that will be equal to 0, means finally we are getting 2T is equal to T1. So here also 2T is equal to T1. Therefore we can write 2T is equal to 15A, therefore T is equal to 15A by 2. This we got finally, right? T is equal to 15A by, I put this value of T in this and we will get the acceleration. Therefore 10G minus 15A by 2 is equal to 20A. Transfer this on this side. Therefore, 15A by 2 plus 20A is equal to 10G. Therefore, how much it is? 40. 55A. 55A by 2 is equal to 10G. Right? Therefore, A is equal to 20G upon 55. So 5 11 ja, 5 4 ja, that is equal to 40 by 11, because I have taken G is equal to 10 meters per second square. So A is equal to 40 by 11 meters per second square. Therefore A is equal to 40 by 11 meters per second square. We got the value of A. A is what? The acceleration of A. Means we can say A is equal to 40 by 11 meters per second square. Therefore, I will write A is equal to 40 by 11 meters per second square, and AB is equal to 80 upon 11 meters per second square, because AA is half of AB. AA is half of AB, so AB we could find.
that is 80 by 11 meters per second square, that is acceleration of this. Now we have to find t, right? So t is equal to 15 a by 2, so therefore t is equal to 15 a by 2, and this implies t is equal to how much? 15 by 2 into a, value of a is 40 by 11. So we can simplify, that is 20 times, that is t is equal to 300 by 11 newton. So that too we got the value of a, ab and t. So all these values we could find over there. So this way we could solve this problem. Ek dusra problem. दो मासेस है ए एंड बी और सेटअप इस तरह से बना हुआ है. देयर इज वन मासलेस पुली, इट इज कनेक्टेड विद रिजिड सपोर्ट और ये सरफेस कैसा है? स्मूथ है. अभी जो भी सरफेस रहेंगे स्मूथ ही रहेंगी जब तक स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है. सो इस बी इज कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग एंड एफ फोर्स इज अप्लाइड. एफ इज इक्वल टू 4 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड. Mass of this is 3 kg and mass of this is 2 kg. Then what is required? What is the acceleration of B? Acceleration of A, T1 and T2. These are the 4 quantities required to be found out. अब इसमें हम देखेंगे, फिर वही चीज देखनी है कि acceleration इसका और इसका, इन दोनों के acceleration में क्या relation है. ठीक है? अच्छा, सपोज ये हमने पुल किया एक्स डिस्टेंस आगे चलता है, तो ये एक्स डिस्टेंस चला तो ये भी एक्स डिस्टेंस आगे चलेगा बिकॉज इट इज कनेक्टेड विथ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, राइट. सो अगर इसको ए आगे बढ़ाते हैं, इलास्टिक स्ट्रिंग नहीं है कि भाई इसको खींच दिया तो ये अपने जगह पर रह जाएगा, ऐसा नहीं है. इसका लेंथ फिक्स है, जैसे इसको बढ़ाएंगे तो ये पुली भी आगे जाएगा साथ में. अगर ये x आगे जाता है तो ये पुली भी x आगे जाएगा. x अगर आगे गया तो ये a कितना आगे जाएगा ये पहले पता करना है. सो सपोज इसको हमने x आगे करके यहां पर ले लिया, यहां पर तो ये इतना डिस्टेंस इधर से भी बढ़ेगा, इतना डिस्टेंस इधर से भी बढ़ेगा, x एंड x अगर ये इस पोजीशन पर जाता है तो. सो ये दोनों डिस्टेंस क्योंकि ये फिक्स है तो ये दोनों डिस्टेंस इसी से आगे बढ़ना पड़ेगा. मतलब कि ये पुली x आगे गया तो a को कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? 2x. तभी तो x और x दोनों लेंथ एडजस्ट होगा. पुली आगे चला x डिस्टेंस, तो इतना डिस्टेंस इधर से इतना डिस्टेंस इधर से 2x. ये थ्रेड जो है, स्ट्रिंग जो है, 2x खसकना पड़ेगा इधर. मतलब कि a को कितना आगे बढ़ना पड़ेगा? 2x, राइट, क्योंकि ये फिक्स है यहाँ पर. सो इसका x आ जा तो ये कितना आगे जाएगा? ये तो सिर्फ x ही जाएगा ना. ये x गया तो इसको 2x जाना पड़ेगा. मतलब कि इसका एक्सेलरेशन अगर a है, राइट, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2a. बात समझ में आ गई? क्लियर है? देखो इसको एस खसकाएंगे तो ये 2x दोनों साइड से खसकता पड़ेगा. एक्स खसका तो थ्रेड का, स्ट्रिंग का लेंथ इधर इधर, और ये 2x आगे बढ़ेगा तो ये लेंथ एडजस्ट हो जाएगा. ठीक है? नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन a, तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा. ठीक है? अब a और 2a का रिलेशन अपने को क्लियर हो गया, तो इसका एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन में किस तरह का रिलेशन है. अभी FBD बना करके हम सॉल्व कर सकते हैं. सो हम बनाएंगे FBD ऑफ बी, पहले बना देते हैं इसका FBD बनाते हैं. अब ये सिंगल स्ट्रिंग है, T1 इसके ऊपर इधर लगेगा तो T1 इसके ऊपर इधर लगेगा, T2 इधर लगेगा, T2 इधर लगेगा. सो FBD बनाते समय हम देखेंगे नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. सो एफ माइनस T1 इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बी. सो बी पर कौन कौन से फोर्सेज हैं देखो. बी पर तो इवन एन 2g इज एक्टिंग डाउनवर्ड, n1 इज एक्टिंग अपवर्ड. सो 2g, दिस इज n1,
इन दिस डायरेक्शन इट इज एफ, इन दिस डायरेक्शन इट इज टी वन राइट, एंड ए इज इन दिस डायरेक्शन राइट। अब देखो इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, सो एन वन इज इक्वल टू टू जी, उसे तो हमको कुछ लेना देना है नहीं, फिर भी लिख देते हैं एन वन इज इक्वल टू टू जी, फिर भी इसका कोई अपने को यूज नहीं होने वाला है, एंड बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग दिस लाइन। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, एफ एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है तो एफ माइनस टी वन दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन टू इंटू ए, ये पहला इक्वेशन बन गया। अब एफ का वैल्यू अपने को दिया है 4 न्यूटन, सो वी कैन राइट 4 माइनस टी वन इज इक्वल टू टू ए, देयर फोर टी वन इज इक्वल टू 4 माइनस टू ए। ये इक्वेशन यहां बनाने के बजाय हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एफबीडी ऑफ ए, एफबीडी ऑफ ए। अब इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं देखा जाए, सो इट इज ए, इसका 3g डाउनवर्ड, सपोज n2 इज द रिएक्शन फोर्स, इन दिस डायरेक्शन इट इज t2 इज एक्टिंग, इसका एक्सेलरेशन कितना है 2a। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, n2 इज इक्वल टू 3g लिख देते हैं यहां पर, n2 इज इक्वल टू 3g, इसका कोई यूज तो है नहीं हमारे लिए, फिर भी ओके बैलेंसिंग है इसने लिख दिया। अब t2 is creating acceleration of 2a in this, so we will write t2 is equal to mass is 3 kg, so 3 into 2a that is 6a, so therefore t2 is equal to 6a, ye equation number 2. Ab t1 and 2, t2 mein kya relation hai, this t1 is equal to 2t2, theek hai, and t1 is equal to 2t2। अब इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि t1 माइनस 2t2 इज इक्वल टू 0 एंड ऑल, t1 इज इक्वल टू 2t2, देयरफॉर t2 इज इक्वल टू t1 बाय 2। अब ये t1 बाय 2 यहां पर लग देंगे तो क्या मिलेगा, t1 बाय 2 इज इक्वल टू 6a, देयरफॉर t1 इज इक्वल टू 12a, ये एक रिलेशन मिल गया इक्वेशन नंबर 3, t1 इज इक्वल टू 12a मिल गया, ये आप पुट अप कर देंगे, therefore 12a is equal to 4 minus 2a, therefore 14a is equal to 4, and this implies a is equal to 4 by 14, that is 2 2 ja 2 7 ja, right, that is equal to 2 by 7, therefore a is equal to 2 by 7 meters per second square, apne ko एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी, हम इसको क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बाय 7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, देयरफॉर ए ए क्या हो जाएगा, इसका डबल है दैट इज 4 बाय 7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ए ए एंड ए बी मालूम हो गया, अपने को टी वन एंड टी टू चाहिए, so we can find t1, t1 is equal to 12a, therefore t1 is equal to 12 into a, value of a 2 by 7, so that is equal to how much, 24 by 7 meter, and t2 is equal to how much, t2 is equal to t1 by 2, isn't it, so that is t1 by 2, that is 24 by 7 into 2, so it will be 12, that is 12 by 7 meter. So this way we could find A, A, B, T1 and T2. So concept should be clear for the sake of that these products were taken. So ek naya concept mein aapko batane ja raha hu aaj pertaining to this pulley system. Theek hai? Ab ek naya setup, naya concept ke saath aapko bata raha hu. There is a mass, right, which is lying on a smooth surface. It is connected with another pulley, right?
and other two masses are hanging through this pulley. Acceleration of this is A. Acceleration initially, the acceleration of pulley will also be A. And let the acceleration of B and C are A1 and A2 respectively. Assume करेंगे कि भाई B भी नीचे आ रहा है और C भी नीचे आ रहा है, इसका acceleration A1 है, इसका acceleration A2 है. देखिए कौन देख रहा है इसको? जो अर्थ पर ऑब्जर्वर है, अर्थ पर ऑब्जर्वर है, वो देख रहा है और वो बता रहा है कि भाई इसका acceleration A है, इसका acceleration A1 नीचे है, इसका acceleration A2 नीचे है, downward direction को, right? इन vector form में अगर हम बात करेंगे तो A1 downward, A2 downward, P is also coming downward. So A और A1 और A2 में क्या relation है वो पहला understand कर लेंगे, फिर इसके बाद numerical problems को बनाएंगे, क्या क्या find out करना है. हमने लिख दिया है A, A1, A2 are the accelerations with respect to earth. ठीक है, मतलब अर्थ पर आदमी है वो देख रहा है इसके accelerations को. Now इस पर टेंशन सपोज टी है, नेचुरली टेंशन इस पर भी टी रहेगा, इधर से भी टी है, इधर से भी टी है, इधर से टी वन ले लेते हैं. सो दिस विल बी टी वन, दिस विल बी टी वन, दिस विल बी टी वन, बिकॉज सिंगल स्ट्रिंग है, मासलेस है, पुलीज ऑल्सो मासलेस, सो नेचुरली टेंशन विल बी सेम. सो इसमें अपने वो एक ये रिलेशन निकालना है कि A और A1 A2 में क्या रिलेशन है. अब इसमें आप समझो कि दिस पुली इज कमिंग विद एक्सेलरेशन A, ऑब्जर्वर देख रहा है कि A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, वो ये भी देख रहा है कि A1 से आ रहा है, ये A2 से नीचे आ रहा है. अगर इसके रिस्पेक्ट में हमको इसका और इसका एक्सेलरेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जैसा रिलेटिव मोशन में हमने बताया था कि अगर वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन में कि अगर हमको किसी के रिस्पेक्ट में किसी का एक्सेलरेशन निकालना है या वेलोसिटी निकालना है तो हम जिसके रिस्पेक्ट निकालना है उसका एक्सेलरेशन जीरो कर देते हैं. तो जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर के डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, इस पर जो लगाएंगे इस पर भी वही लगाएंगे, इस पर भी वही लगाएंगे. ठीक है, अच्छा. So, हम एज्यूम करते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को हम निगेटिव ले लेते हैं. वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे, ए वन इट इज डाउनवर्ड, चलो वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे, राइट? कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव ले लिया. अभी इसको अगर जीरो करना है, देखो ये पुली है, कौन सा? पी, ये पी पुली है, ये ए से नीचे आ रहा है, एक मास यहां पर है बी, बी इज कमिंग विथ ए वन, हियर सी, सी इज कमिंग विथ ए टू. अगर इसका एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ये निकालना है तो हम इसके ऊपर एक लगा देंगे ए अपवर्ड, राइट? So, इस पर भी लगाना पड़ेगा ए अपवर्ड, इस पर भी लगाना पड़ेगा ए अपवर्ड, तब जाकर के सिचुएशन सेम रहेगा. लेकिन जैसे ही इसके ऊपर अपवर्ड लगाया, दिस बिकेम एट रेस्ट. कंसेप्ट को समझो, राइट? रेस्ट में आ गया. रेस्ट में आने के बाद इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? हम ले लेंगे ए वन माइनस ए, ए वन माइनस ए लिखेंगे, मतलब डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है इसका. ठीक है, अब इसको ले लेंगे ए टू माइनस ए, ए टू माइनस ए, ए भी किधर है? डाउनवर्ड है. ए वन माइनस ए भी डाउनवर्ड है. ठीक है, अच्छी बात है. मतलब क्या हो गया कि अब ये रेस्ट में आ गया है. अगर ये रेस्ट में आ गया तो इसका एक्सेलरेशन ए वन डाउन माइनस ए डाउनवर्ड और ए टू माइनस ए. अब देखो कि अगर इसको हम इसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको इससे हम कनेक्ट करते हैं ऐसे, ऐसे और ऐसे. अब ये रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है, ये दोनों के मासेस जो है सेम नहीं है, एक का मास सबसे M3 है, एक का मास M2 है, मासेस आर नॉट इक्वल,
इसका मतलब दोनों पर अलग अलग फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसमें एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि जब ये रेस्ट में है तो ऑब्जर्वर जो बाहर से देख रहा है वो बोलेगा भाई एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन सेम रहेगा दोनों का। जैसा हमने पहले प्रॉब्लम्स में किया है कि एक पुली है, है पुली है, पुली पर एक सपोज एक 5 kg का है, इधर ये 2 kg का है। अब ये नीचे आएगा तो इसका एक्सेलरेशन सपोज ए है नीचे के डायरेक्शन, तो इसका एक्सेलरेशन ये ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि ये रेस्ट में है, ये है रेस्ट, ये रेस्ट में है पुली, तो ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन सेम रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन विल बी जस्ट रिवर्स। अब ये रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आ गया तो ये एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड दिखा रहा है और ये डाउनवर्ड दिखा रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, या ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, ठीक है ना। सो मान लेते हैं कि भाई इट इज गोइंग अप, इट इज कमिंग डाउन, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए वन माइनस ए राइट इज इक्वल टू माइनस ए टू माइनस ए। नीचे आया तो ये एक्सेलरेशन था, उसको हमने उल्टा कर दिया तो माइनस कर दिया, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। अब इससे हमको क्या मिलता है, देयरफॉर ए वन माइनस ए दैट इज इक्वल टू माइनस ए टू प्लस ए, इससे मिल जाएगा देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू बाई टू। मतलब क्या हो गया कि इसका एक्सेलरेशन जो है इन दोनों के एक्सेलरेशन के का एवरेज है, हाफ ऑफ दिस। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली इज हाफ ऑफ सम ऑफ ए वन एंड ए टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। एंड सिंस आई हैव टेकन द सेम डायरेक्शन ऑफ ए ए वन एंड ए टू, सो बाय मैग्नीट्यूड ऑल्सो दैट इज ए वन प्लस ए टू बाय टू। ये बाई मैग्नीट्यूड भी सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज टू डिवाइडेड बाई टू विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेंगे। अब एफबीडी बनाएंगे बी सी एंड ए का, तो कैसे बनेगा एफबीडी ऑफ बी, बी के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, दैट इज एम टू जी नीचे, यहां पर एम थ्री जी नीचे, और यहां पर एम वन जी, देयर इज नॉर्मल रिएक्शन। सो बी का अगर बनाते हैं एफ बी डी, सो दिस इज बी, डाउनवर्ड फोर्स इज एम टू जी, दिस इज टी इज एक्टिंग, एंड इसमें ग्राउंड से देख रहे हैं तो एक्सेलरेशन ए वन है, ग्राउंड से दिख रहे हैं राइट। सो ग्राउंड से जो ऑब्जर्वर को फील हो रहा है कि दिस इज कमिंग डाउन, सो एफबीडी जब बना देंगे तो ऐसा बनेगा। सो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम टू जी, इक्वेशन ऑफ दिस नेट फोर्स दैट इज एम टू जी माइनस टी दैट इज इक्वल टू मास ऑफ दिस एम टू, सो दैट इज एम टू ए वन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से अगर हम सी का एफबीडी बनाएंगे राइट, सो एफबीडी ऑफ सी तो कैसा बनाएंगे, देखिए एम थ्री जी, एम थ्री जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, दिस इज टी इज एक्टिंग अपवर्ड, एक्सेलरेशन इज ए टू डाउनवर्ड, सो अगेन एम थ्री जी माइनस टी इज इक्वल टू एम थ्री एम थ्री ए टू द सेकेंड इक्वेशन राइट। सिमिलरली हियर दिस विल बी बैलेंस, टी वन इज इक्वल टू एम वन ए फॉर दिस एफ बी डी ऑफ ए, हियर यू विल गेट टी वन इज इक्वल टू एम वन ए राइट। एंड वॉट इज द रिलेशन बिटवीन टी वन एंड टी, दैट इज टी वन is equal to 2t with all these four relations 1, 2, 3 and 4
we can get the value of a, a1 and a2 and t. So this is the fundamental concept. We will be using these concepts to solve the numerical problems of this type. So I will make another video with the numerical problems taking this concept. A few problems in this also I'll take, and then we'll proceed for the next bit. So I will meet you next time. Till then, all the best. Take care.